जी तो रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे हम पकोड़े के दही बड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो ये हमने पकोड़े बना रखे हैं, तो आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देंगे हम, वहाँ से आप देख सकते हो। इसकी रेसिपी मैंने पहले बना चुका हूँ। और अब इन्हें हम गुनगुने पानी में 5 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। तो जब तक ये भीगते हैं तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। तो मसाले में हमें राई लेनी है 1 चम्मच पिसी हुई दरदरी, और गरम पिसा हुआ ये हमने जीरा लिया है, और लाल मिर्च और नमक, और ये चाट मसाला लिया है हमने घर का बनाया हुआ। और ये हमने दही लिया है जिसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसे फेंट लिया है, पतला कर लिया है थोड़ा। और इसमें जो भी मसाले वगैरह हैं वो डालकर हम एकदम बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। तो आप भी मिला सकते हो इस तरह, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। ये सारे मसाले ज़रूर डालें आप। और अब इसमें हाथ से इस तरह दबाकर जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे इस तरह। यदि आप पानी नहीं निकालोगे तो इसमें दही अंदर तक नहीं अब्जॉर्ब करेंगे ये, और फिर हमारे टेस्ट ही नहीं बनेंगे। तो आप ज़रूर ये करें, इनका दही में डालने से पहले अच्छी तरह इनका पानी निकाल लें, और फिर ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से मिलाकर 5 से 7 मिनट के लिए हम रख देंगे इसी तरह। तो हम मिला लेते हैं, तो देखिए मिला लिए। अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए रख देंगे, और फिर निकाल कर आपको दिखाता हूँ कितने बढ़िया बने हमारे। तो देखिए कितने बढ़िया बने हमारे। तो आप ज़रूर बनाएं इस तरह, और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।